मीठी लस्सी है लाइट्स वगैरह जल रही है तो जाग ही रहे होंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम चुज़ात, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2:30 बज गए हैं, समझ लें 1:17 रह गए हैं। अभी मौलवी साहब बता रहे थे कि 1:17 बाकी रह गए हैं, जल्दी जल्दी सैरी कर लो, उसका टाइम ख़त्म होने 1:17 रह गए। तो आज मुझे उठाने कोई नहीं आया, आज मैं खुद ही उठ गया हूँ। और अम्मा जी उठी हुई हैं, मैं अभी बाहर गया था तो अम्मा जी इस किचन में ही हैं, मतलब कि वो तैयारी वगैरह कर रही हैं। तो इट्स टाइम टू वेक अप, ताकत उठाने का टाइम है। आंखें मेरी लाल लाल से फील हो रही होंगी क्योंकि मैं आज खुद बड़े हिम्मत करके खुद उठा हूँ ना, मेहनत की है। तो अभी चलता हूँ, उस ताकत को उठाता हूँ। आज की सैर इंशाल्लाह ताकत और मैं इकट्ठे करेंगे, कल भी मैंने अकेले ही सैर की थी तो मज़ा नहीं आया था। आज इस ताकत को भी उठाता हूँ और मिल के सैरी करेंगे। ये जी RGB लाइट्स जला के सोए हुए हैं चोरी से। हेलो, ओए उठ जा, रोजा नहीं रखना, रोजा उठ, जल्दी का टाइम सिर्फ 1 रह गया है। और उठना टाइम थोड़ा है, कुछ नहीं होता, फिर 30 में भी तो उठना ज्यादा मुश्किल होगी। उठ जल्दी क्या, जल्दी क्या रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, फिर उठ। चारे सब घोड़े बेच के सोए हुए जैसे फिर कभी सदियों ही सोए रहना, वो वाली बात है मम्मी की तरह ना। तो मूवी थी ना मम्मी, तो मम्मी सदियाँ सोई रहती थी, फिर उन्हें कुछ जगा देता था, तो यही वाला सीन था। ताकत को भी मम्मियों की तरह ही सोया हुआ, अभी फिर उठाऊंगा जाके, इसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा। तो अम्मा के पास अभी मैं चलता हूँ और देखते हैं कि आज सैरी में क्या क्या बन रहा है। असल में भाभी जी हैं नहीं और मुझे हेल्प वगैरह करनी पड़ेगी, और तो किचन में ही चलते हैं। और इधर हमेशा की तरह अम्मा किचन में, और क्या बनाया आज मुझे, ये आप खुद ही देख लें। चनों का सालन बना हुआ है, आज तो टाइम रहता है कुछ, मतलब कल हम लेट हो गया था थोड़ा, तो वो चौकीदार नहीं है ना आज, उसने सारी करने आज छुट्टी थी ना, तो घर गया वो होगा फिर। हाँ नहीं तो रब्ता कर लेता वो, वैसे भी एक पास एक स्कूल है, ये आगे दरवाजा पहले नहीं खटखटा था। ताकत उठ गया उसको एक बार, तो जबरदस्ती उठा गया हूँ। तो सब उठ के बैठ गए और एहसान कर रहे हैं, वैसे बैठो है रोजा रखने की, एहसान थोड़ी करना है। दुकान खोलनी है, अंडे उठाने, अंडे खत्म हो गए हैं। उठाया, चल आ चले अंडे उठा ले, मुझे डर लगता है बाहर, बाहर बहुत अंधेरा है, कुत्ता भी जो पड़ गया तो फिर मैं कुत्ते को पड़ जाऊंगा। सही से चल आ गई, टाइम थोड़ा रह गया ही, फिर हमें जल्दी जल्दी खाएगा सैरी फायदा। मौलवी ने कुकड़ो कू कर दी ना, स्पीड लगी हुई होगी। देख मुर्गा तो कर रहा है, बहुत खामोशी होती है देहातों में ना रात के टाइम।
जाग भी रहा हो ना कोई, तो वो आवाज नहीं करता कोई दूसरा ना जाए। लाइट जलाओ। कितना मेरे लिए उठाना है? अपने लिए उठा ले, तीन उठा ले, चलो फिर काम आ जाएंगे। मैं उठाना तीन उठा ले देखी आते पूरे आवे। हाँ जवाड़ी नहीं उठाई जाएगी मैं यहाँ ना ऐसे होता है कि गवाड़ जो पड़ोस अड़ोस पड़ोस के होते हैं ना, वो एक दूसरे को जगाते हैं अगर कोई ना जागो, लेकिन इधर भी लाइट्स वगैरह जल रही हैं तो जाग ही रहे होंगे हम खुद बड़े मुश्किल जागते हैं, दूसरों को क्या उठाएंगे ये फ्रूट काट ले और फ्रूट चाट बना लेते हैं, और बस काट के रख देना है, खा लेंगे। वैसे तो खाना थोड़ा मुश्किल होता है, चम्मच से खाना आसान होता है। चल मैं ही काट देता हूँ। ये फ्रूट मैंने काट लिए थे कुछ, और अंडा बना दिया आपने? अच्छा, मैं ना इसमें मैं जो थोड़ा सा ना जामिश्री ऐड कर देता हूँ। ये ले भाई खा ले, सारा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ये कोई टाइम है? बंदे को अपनी समझ नहीं आ रही होती, तुझे मोबाइल की आ रही है। जो खरबूजा डाला है ना वो ना फ्लफी सा था, बड़ा ही मजा करवा रहा है। खारिश पच्चीस तीस मिनट रह गए हैं। बड़ा बड़ा जरा आखिरी पाँच मिनट खादा जाना है आखिरी पाँच मिनट में सिर्फ पिया ही ज्यादा है। मीठी लस्सी सारी जो है हमारी तैयार हो गई है। ये अभी दूसरा सालन हो रहा है और बाकी ये पराठे वगैरह और ये अंडा वगैरह बन चुका है। टाइम रह गया अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट रहते हैं, तो आराम से खा लेंगे। आज तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो आता था वो नहीं आया, तो उसके लिए खाना नहीं बनाना था, तो जल्दी जल्दी हमने ना सारा कुछ तैयार कर लिया। तो मैंने तो ये एक गिलास लस्सी भी पी लिया, अब ना मेरी कैपेसिटी नहीं रही। इस टाइम असल में खाया ही नहीं जाता, तो बड़ी क्या कहते हैं बस पेट में कुछ डालने वाली बात होती है। तुझे क्या हो रहा है? तो हम ना पेट में डाल ले उसके बाद फिर मिलते हैं। डाल ले चाय पत्ती खड़ी है, ये देख गरम हुई खड़ी है, इसको मैं कप में डाल के ले जाता हूँ। सदाकत चाय नहीं पिएगा क्योंकि ना वो सारे टाइम चाय वगैरह नहीं पीता, वो उसका मानना है कि सुबह प्यास लगती है। तो मैं ये डाल लेता हूँ। अम्मा जो है ना वो पढ़ रही हैं कुरान पाक वज़ू करके, तो मैंने कहा कि खुद जाकर डाल लेना। तो मैं ये मेन जिम्मेदारी जो है ना मेरे जिम्मे लगाई गई है, चाय खुद डालने और खुद पीने की। तो मैं चाय लेके आ गया हूँ, और मैं बता रहा था कि सदाकत ना चाय नहीं पीता, अब उसका लॉजिक ये है कि ना उसे प्यास लगती है, तो चाय क्यों नहीं पीते तुम? प्यास नहीं लगती, मुंह सड़ता है सदाकत का मुंह सड़ता है चाय पीने से ना, तो मैं तो भाई पी लेता हूँ। मैं जब तक वो क्या कहते हैं इस तरह की ना एक सिप ना दिखाऊ ना तो मजा ही नहीं आता। तो अब आप कहेंगे कि बाएं हाथ से पी रहा तो मैं दाएं हाथ से पीऊंगा, मत तसल्ली करके ये देखे मैं बाएं हाथ से नहीं पी रहा दाएं हाथ से पी रहा तू बस यहां से ना नियत करके सो जाए
खा के हमें सो न जाए, सारा कुछ आराम करेगा। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, ठीक है ना। तो हमने सैरी वगैरह कर लिया, चाय वगैरह भी मैंने पी लिया, साकत ने भी खा पी लिया सारा कुछ। तो टाइम खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट रह गए। तो अभी मैं कुली वगैरह भी कर लेता हूँ और नियत भी कर लेता हूँ ताकि कहीं लेट ना हो जाए। तो उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ लेंगे। तो आई होप आज की ये रूटीन आपको पसंद आई होगी, आपने देखा कि किस तरह से एक गांव में होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह ज़रूर कर लें। तो मुझे जल्द दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।